तो गाइज पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि जियो एप्लीकेशन आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो पाइथन की मदद से। तो इस वीडियो में देखेंगे उस जियो एप्लीकेशन को बिल्ड करने में आपको किस किस प्रकार के लेआउट आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने एक पहले एक बनाए रखी है, मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। और एक सिंपल सा कोड है जो हमने कल भी किया था। टाइटल वगैरह मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, टाइटल चेंज कर देता हूँ मैं निकालने की बजाय। और यहाँ पे एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ, जो कल वाला था पाई क्यू टी फाइव वाले हम लेआउट देखेंगे। वैसे सेम ही होते हैं सभी में, लेकिन मैं इसके बताऊंगा आपको। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हो लेआउट एग्जांपल हमने। तो अब हम क्या करेंगे, विंडो जब शो करते हो उसके पहले अभी आपको कोड करना है। तो यहाँ पे हम पहले जो लेआउट है वो लेंगे क्यू एच बॉक्स लेआउट। ये जो लेआउट है बॉक्स की एक पार्ट है, बॉक्स लेआउट जो है उसका एक टाइप है, दो टाइप है बॉक्स लेआउट के, क्यू एच बॉक्स लेआउट और क्यू वी बॉक्स लेआउट। एच और वी क्यू चेंज हुए, मैं बता दूँ। क्यू एच बॉक्स लेआउट जो है वो हॉरिजॉन्टली, उसके अंदर जो भी आप आइटम्स ऐड करोगे वो हॉरिजॉन्टली आपको दिखाएंगे। और जो वर्टिकली है, मतलब वर्टिकली आपको चाहिए तो आप क्यू वी बॉक्स लेआउट को यूज कर सकते हो। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो ये बॉक्स लेआउट के दो टाइप है। तो यहाँ पे क्यू एच बॉक्स जो मैं पहले आपको लेकर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्यू एच बॉक्स लेआउट। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर ली क्यू एच बॉक्स लेआउट नाम का वेरिएबल, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बटन वन इक्वल टू बटन। बटन मैंने पिछली वीडियो में बताया किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। सॉरी बटन नहीं लेना हमें, क्यू पुश बटन लेना है। सॉरी मैं भी गलत हो गया, क्यू पुश बटन लेना आपको, क्योंकि आप पाई क्यू टी फाइव के विजिट्स ऐड करने वाले हो तो क्यू पुश बटन लगेगा, जिसको मैं यहाँ पे वन डाल देता हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पे टू और थ्री क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं टू और थ्री एक क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं टेक्स्ट भी सेट कर देता हूँ टू और थ्री। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमने कोड कर लिया है, अभी अगर हम रन करेंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो विंडो है उसको लेआउट सेट करनी पड़ेगी, और उस लेआउट के अंदर हमें ये जो क्यू एच बॉक्स लेआउट है इसे हमें पास करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ क्यू सॉरी विंडो डॉट सेट लेआउट, ये जो मेथड है विंडो की, इसमें आपको क्यू एच बॉक्स लेआउट जो है उसको पास करना है। ये बटन तो आपने ऐड कर सिर्फ डिक्लेयर कर लिया, अभी आपको उनको लेआउट में ऐड करना है। तो यहाँ पर लेंगे हम बी टी एन वन सॉरी क्यू एच बॉक्स लेआउट डॉट एड विजेट, जिसमें हम बी टी एन वन पास करेंगे बी टी एन वन। उसी तरीके से मैं यहाँ पे टू और थ्री के लिए भी बना लेता हूँ टू और थ्री। अब मैं रन करूँगा प्रोग्राम को, तो वो जो बटन से वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वे में आपको मिलेंगे ये, क्योंकि हमने क्यू एच बॉक्स लेआउट यूज किया है। तो आपको एक के बाद एक वो ऐसे जितनी आपकी विड्थ होगी इस विंडो की, उसमें वो जितने फीट होंगे उतने वो आपको दिखाएगा। अब दूसरी बारी आती है क्यू वी बॉक्स लेआउट की, तो यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं करूँगा, वही सेम कोड रखता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ मैं क्यू एक्स क्यू वी बॉक्स लेआउट, और यहाँ पे मैं सिर्फ क्यू वी बॉक्स लेआउट क्लास यूज करूँगा, और नीचे भी चेंज कर लेता हूँ मैं क्यू वी बॉक्स लेआउट और मैं वापस से रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे शायद एरर दिखा सकता है ये, तो हमने जो लेआउट है उसमें चेंज नहीं किया, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ और वापस से रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे पिछली बार जो हमने किया था उसमें एक के बाद एक आया था, अभी एक के नीचे एक आया है, यानी कि वर्टिकली आपको वो प्रेजेंट कर रहा है जो भी आपने उसमें विजेट्स ऐड किए वो उस लेआउट में। तो वो इस प्रकार से आपको वो उसका आउटपुट मिलेगा। तो मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किए बॉक्स लेआउट के, क्यू वी बॉक्स लेआउट और क्यू एच बॉक्स लेआउट, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल का एच है वो है क्यू एच बॉक्स लेआउट, और वर्टिकल का वी यानी कि क्यू वी बॉक्स लेआउट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम देखते हैं ग्रिड लेआउट किस तरह से आप यूज कर सकते हो। ग्रिड लेआउट यानी कि अगर आपके आप गैलरी यूज करते हो फोन की, तो उसमें किस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितने आपके कॉलम हो गए उतने आपको ऐड होते हुए दिखते हैं, तो उसी तरीके से आप किस प्रकार उस लेआउट को बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इस कोड को, और यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ बाद में। यहाँ पे लेता हूँ मैं क्यू ग्रिड लेआउट, इसको मैं डालता हूँ क्यू ग्रिड लेआउट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्यू ग्रिड लेआउट में अगर आप एक एक ऐड करोगे तो आपको उसमें उसका पोजीशन और कहाँ पर ऐड करनी वगैरह वो एक्स वाई पोजीशन देनी पड़ती है। तो उसके बजाय मैं आपको सिंपल कोड बताऊँगा फॉर लूप का इस्तेमाल करके।
तो यहाँ पे मैं एक्स वेरिएबल लूंगा फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 3। तो हम 3x3 का एक बनाएंगे कि पहले जो कॉलम्स होंगे वो 3 होंगे और रोज जो होगी वो 3 होगी, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 3, उसके बाद लेंगे फॉर वाई इन रेंज ऑफ 3। तो दोनों में हम 3 3 डालेंगे क्योंकि 3x3 का हमें चाहिए एक्स और वाई दोनों भी। अभी हम इसके अंदर बटन लेंगे, एक बटन क्रिएट कर दे यहाँ पे क्यू पुश बटन, जिसके अंदर हमें 0 से लेके हम ऐसे इनफिनिट पोजीशन तक हम प्रिंट करेंगे उस बटन का जो टेक्स्ट है वो। तो यहाँ पे मैं लूंगा 3 × x + y। तो ये जो है ये मुझे एरर शो करेगा क्योंकि ये नंबर में है यानी कि इंटीजर में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग में, तो str का एक मेथड आता है, str के ब्रैकेट्स में आपको उस नंबर को डाल देना है तो वो str में कन्वर्ट होके वो बटन में शो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ग्रिड लेआउट में, सॉरी क्या हमारा नाम क्यू ग्रिड लेआउट डॉट एड विजेट, और उसके अंदर हम इस बटन को डाल देंगे। बटन को डालने के बाद आपको x और y डालनी है, तो x और y तो हम ऑलरेडी बनाए हैं ऊपर, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इतना होने के बाद विंडो डॉट सेट लेआउट में क्यू ग्रिड लेआउट पास कर दीजिए। तो यहाँ पे वापस से बताता हूँ, फॉर लूप का हमने यूज किया ऐड करने के लिए, जिसमें x और y दोनों भी मतलब कॉलम और रो दोनों भी हम 3x3 लेंगे, दोनों 3 3 लेंगे। तो यहाँ पे x और y का हम दो फॉर लूप लिया हमने, इसके अंदर बटन क्रिएट किया क्यू पुश बटन, जिसके अंदर हम 3 × x + y करेंगे तो हमें जो नंबर है वो इसमें अंदर मिल जाएगा। और क्यू ग्रिड लेआउट में हम वहीं पर ऐड कर रहे हैं लूप के अंदर, और लूप खत्म होने के बाद यानी कि लूप के पूरा दोनों लूप के बाहर आने के बाद हम विंडो डॉट सेट लेआउट क्यू ग्रिड लेआउट करेंगे, और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आपको वो आउटपुट मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे 0 से यहाँ पे हमने कुछ डाला नहीं, प्लस 1 करेंगे हम तो प्लस मतलब 1 से स्टार्ट होगा, नहीं डालेंगे तो वो पोजीशन 0 थी वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। तो इसको बोलते हैं ग्रिड लेआउट, यानी कि यहाँ पर अगर मुझे 3x4 का भी करना है तो नंबर में क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर भी 4 डालना होगा क्योंकि वाई में जो हमारा नंबर है जितना हम वाई में डाल रहे हैं उतना है हमें नीचे वाले बटन में सेट करने के लिए टेक्स्ट लेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जी 3x4 का आपको जो है वो मिल गया है। तो इस प्रकार से आप ग्रिड लेआउट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मेन लेआउट जो ज़्यादातर यूज होती है वो है फॉर्म लेआउट, जिसका क्लास नेम है क्यू फॉर्म लेआउट। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि फॉर्म आपको क्रिएट करना है, यानी कि पहले लेबल, उसके बाजू में आपको वो जो आता है एंटर करने के लिए जो इनपुट आता है वो किस तरीके से बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए आप फॉर्म लेआउट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ वापस से, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ क्यू फॉर्म लेआउट इक्वल टू क्यू फॉर्म लेआउट। यहाँ पे मैंने लेआउट बिल्ड कर ली, इसको मैं पास कर देता हूँ क्यू फॉर्म लेआउट, ओके। अब हमें फॉर्म में ऐड करने के लिए सिंपल सा कोड है, यहाँ पे हम लेंगे क्यू फॉर्म लेआउट डॉट ऐड, ऐड रो करेंगे क्योंकि रो बाय रो हम ऐड करेंगे एक के नीचे। तो रो में पहले हम ऐड करेंगे नेम, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम और कॉमा देके हम यहाँ पे लेंगे न्यू, सॉरी मैं जावा में जा रहा हूँ, यहाँ पे हमें ऐड करना है क्यू लाइन एडिट। ये एक क्यू पुश बटन जैसा एक क्लास है क्यू लाइन एडिट, जिसमें आप इनपुट ले सकते हो यूजर से, तो इस तरीके से आप ऐड रो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है क्या इनपुट करना है आपको, और उसके बाद आपको टाइप करने के लिए एक इनपुट बॉक्स मिल जाता है। आपको अगर साइनअप लॉग इन फॉर्म बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं और आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, एक ईमेल भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ईमेल और नीचे रोल नंबर, स्टूडेंट है तो रोल नंबर हम लेंगे उसका। तो यहाँ पे मैं वापस से रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म में आपको वो मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर नेम, उसके बाद ईमेल नीचे आ गया, उसका आपको टेक्स्ट आप डाल सकते हो, रोल नंबर का आप एक टेक्स्ट डाल सकते हो। तो ये मैंने एक सिंपल बताया, आपको थोड़ा एडवांस में जाना है, यानी कि इस रोल नंबर में जो पुट किया या फिर जो भी नेम हमने यहाँ पे इनपुट लिया वो आपको अगर
शो करना है या फिर कुछ प्रोसेसिंग करना है, तो आप यहाँ पे क्यू लाइन एडिट जो है वो आप अलग से ले सकते हो और उसको इसके अंदर डाल के आप उसका वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्यू लाइन एडिट लिया, यानी कि मैंने क्यू लाइन एडिट जो है वो यहाँ पर ही डायरेक्टली इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर जो भी है वो डायरेक्टली कर दिया, मतलब यहीं से ही वो एक्सेस हो सकता है, अलग सा ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं सिंपल आपको बताने के लिए ये किया हूँ। तो ये कुछ मेन इसके लेआउट से ज़्यादातर यूज़ होने वाले। तो अब आपको ट्यूटोरियल जो है समझ में आ गया होगा। कुछ भी दिक्कत होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और पाइथन की जो हैंड रिटन नोट्स है सभी ट्यूटोरियल के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल ड्राइव की, उस पर जाइए। सभी जो ट्यूटोरियल पीडीएफ में अवेलेबल है तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो सभी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल भी हमारा, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।